अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय जैन ने शनिवार को प्रभारी सचिव भवानी सिंह देथा और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर मांग की है कि लॉकडाउन के दौरान अजमेर जिले में आए हुए बाहरी लोग व अजमेर से गए हुए स्थानीय लोगों को आने जाने की अनुज्ञा पत्र यथाशीघ्र जारी किए जाएं। मौजूद समय में कलेक्टर कार्यालय की ओर से जारी ऑनलाइन सुविधा में जो लोग आवेदन कर रहे हैं उनके आवेदन स्वीकृत नहीं हो रहे, जिसके चलते उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा कलेक्टर कार्यालय द्वारा एक हेल्प डेस्क बनाकर ऐसे लोगों को अनुमति पत्र दी जाए ताकि वे अपने गृह जिलों को आ जा सके। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय जैन ने जानकारी देते हुए बताया। जी सर, आज भवानी सिंह देथा से मुलाकात करी है आपने, क्या बात है? आज हमारे जिले के प्रभारी सचिव भवानी सिंह जी देथा साहब को मैंने सुबह वार्ता की थी फ़ोन पे, उसके बाद अभी समय लिया था। इन मुख्य जो समस्या आ रही है वो आ रही है कि जो लोग अजमेर में रुके हुए हैं बाहर, राजस्थान से अलग अलग जगह के आए हुए, या जो लोग अजमेर के बाहर राजस्थान में विभिन्न जगहों पर हैं, क्योंकि जो प्रदेश के बाहर हैं उनकी सूची तो हम तैयार करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को हम भेज रहे हैं और आज हम उनको सूची प्रेषित कर देंगे मेल द्वारा। उसकी के तहत हमने जो है आज भवानी सिंह जी देता साहब को कहा है कि जो राजस्थान के लोग हैं और जो अजमेर में रुके हुए हैं, अजमेर के लोग जो राजस्थान में कहीं फंसे हुए हैं, उन लोगों को तुरंत प्रभाव से यहाँ बुलाया जाए, उनके आने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि जो ऑनलाइन व्यवस्था यहाँ की रही है उसमें मैक्सिमम लोगों के हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं कि ऑनलाइन व्यवस्था में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है। तो उसके लिए मैंने अभी इनको एक पत्र सौंपा है जिसके अंदर मांग की है कि एक हेल्प डेस्क के रूप में यहाँ उपलब्ध कराई जाए जो खाली इन्हीं व्यक्तियों के लिए हो, और उन व्यक्तियों को घर पर आने के लिए भी, घर से जो आएँ वो जो एप्लीकेशन लाएँ वही उनका पास हो कि वो यहाँ एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं कलेक्ट्रेट पर, और एप्लीकेशन ला के वो जो है अपनी यहाँ सबमिट कराएँ और 24 आवर्स के अंदर अंदर उनको उसकी परमिशन उनको ग्रांट की जाए। उस चीज़ के लिए हमने इनको यहाँ ये दिए और ये मैंने अभी सौंपा है एक कलेक्टर साहब को भी, इसकी प्रति देखे जा रहा हूँ।